चलिए आज का हमारा टॉपिक है डेफिसिट बजट। कौन सा बजट है? डेफिसिट बजट। कल वैसे हमने इसके बारे में पढ़ा था, डेफिसिट बजट क्या होता है। हाँ भाई, क्या होता है डेफिसिट बजट? खर्चे ज्यादा हो। किसके खर्चे? गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो। किससे? गवर्नमेंट की रिसिप्ट से। जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट कम हो और खर्चे क्या हो? ज्यादा, तो गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा? लॉस। और लॉस को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? डेफिसिट। तो डेफिसिट माने क्या है? लॉस है। और लॉस कब होगा? जब खर्चे ज्यादा होंगे। किससे? खर्चे ज्यादा है और इनकम क्या है? तो क्या हो जाएगा? लॉस। हमें क्या पढ़ना है? हमारा पूरा टॉपिक है आज टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट के भी क्या होते हैं? टाइप। कल हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ बजट, तीन तरह के, सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट। फिर डेफिसिट के भी तीन टाइप्स हैं। पहला रेवेन्यू डेफिसिट। कौन सा? रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा फिस्कल डेफिसिट। एंड थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट। तो एक बार दोबारा देखें। हाँ भाई, यदि चीज आगे हो, तीन तरह के बजट हैं। कौन कौन से? सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट। सरप्लस बजट क्या था परी? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे होता है बताओ? जब गवर्नमेंट की इनकम, मत बोलो, जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज्यादा हो जाए। किससे? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। तो वो क्या कहलाता है? सरप्लस बजट। बैलेंस बजट क्या होगा? बैलेंस बजट। हाँ भाई सिद्धार्थ, बैलेंस जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर आपस में क्या हो जाए? और तीसरा बजट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डेफिसिट बजट, खर्चे ज्यादा और रिसिप्ट। रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या है रेवेन्यू डेफिसिट? मैं बताता हूं। जब देखो डेफिसिट वर्ड आते ही एक चीज तो पक्की है कि खर्चे क्या है? ज्यादा। किससे ज्यादा है? रिसिप्ट से। मतलब कमाते कम है, खर्चते ज्यादा है, तो ही वर्ड लगता है क्या? डेफिसिट। डेफिसिट एक ही शर्त पे आ सकता है, सिर्फ एक ही शर्त पे, कि खर्चे ज्यादा हो और रिसिप्ट क्या हो? कम। अब पूरा नाम क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या? जब रेवेन्यू खर्चे, कौन से खर्चे? रेवेन्यू खर्चे ज्यादा हो जाए। किससे? रेवेन्यू डेफिसिट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये बंदो ना कुछ और एक्सप्लेन करना चाहता है। आपको बहुत नींद आ गई कार्तिक, कल आए थे कार्तिक? क्यों बताया नहीं तुमने? क्यों अब से नहीं होगा? क्यों अब से करना ही मत, खत्म हो जाओगे वरना। चार चीजें थी, मैं याद दिलाता हूं। कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद है कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट जो या तो लाइबिलिटी को बढ़ा दे या फिर असेट्स को क्या कर दे, कम, दोनों में से एक काम हो जाए। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट ना तो लाइबिलिटी को बढ़ाती और ना ही असेट्स को कम करती, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा था रिलेटिविटी की थ्योरी वर्क करेगी और मुझे सिर्फ क्या याद है? कैपिटल रिसिप्ट। उसका क्या कर दूंगा? उल्टा। तो क्या बनेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा है और कोई लाइबिलिटी हमारी कम हो जाए या फिर हमारी कोई असेट्स बढ़ जाए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो लाइबिलिटी को घटाते, देखो क्रॉस मार दिया, और ना ही असेट्स को बढ़ाते, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। ना ही लाइबिलिटी कम हो रही है ना ही असेट्स बढ़ रही है, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। नहीं दिख रहा, थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं डेफिसिट बजट के टाइप्स। डेफिसिट बजट के कितने टाइप्स हैं? तीन। अभी मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले का नाम क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट आते ही एक बात तो कंफर्म है, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। किससे? रिसिप्ट। क्या ज्यादा हो जाएंगे? खर्चे ज्यादा हो जाएंगे रिसिप्ट।
अच्छा कौन सा डेफिसिट था? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू खर्चे ज्यादा हो जाएंगे रेवेन्यू रिसीव्स। अब रेवेन्यू खर्चे क्या होते हैं? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए किससे? रेवेन्यू रिसीव्स। जैसे सैलरी देना रेवेन्यू खर्चा है, इंटरेस्ट देना रेवेन्यू खर्चा है, बोनस देना रेवेन्यू खर्चा है, रेंट देना रेवेन्यू खर्चा। और यही सब जब चीजें मिलने लगे, सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है और रेंट मिल रहा है, ये सब चीजें जब मिलने लगे तो वो क्या बन जाएंगी? रेवेन्यू रिसीव्स। जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू खर्चे ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीव्स से क्या कहलाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। बस इतनी सी बात है, क्या कहलाने लगेगा? रेवेन्यू डेफिसिट। हार्ड हो गया? ठीक है, कौन सा डेफिसिट है? रेवेन्यू डेफिसिट। क्या हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू।